प्लीज़ वेलकम बैक टू माई चैनल नौशीन खान। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और हैप्पी हैप्पी से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल में ही बेल आइकन का बटन होगा उसको प्रेस कर दे ताकि मैं वीडियो डालूँ और नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके शेयर ज़रूर करें और प्यारे प्यारे कॉमेंट्स करें। आइज आज मैं आप सबके साथ सुनीशा मशरूम सीसी क्रीम का शेड गाइड करने वाली हूँ। मैं आप सबको बताऊँगी कि कौन सा शेड आपके लिए बिल्कुल आपके स्किन टोन से मैचिंग करके कौन सा शेड आपको लेना चाहिए अपने लिए, तो ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगी। लेकिन मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में इसका छोटा सा रिव्यू करूँगी और फिर मीड में, यानी मैं आपको इस वीडियो के बीच में ये भी समझाऊँगी कि आपका अंडरटोन आपको कैसे समझना चाहिए। अगर आप अपना अंडरटोन समझ लोगे, आपको अपना अंडरटोन समझ में आ जाएगा तो आपके लिए अपना शेड लेना बिल्कुल ईजी हो जाएगा। जैसे अगर आप अपना अंडरटोन समझ लेते हो तो अब जब मैं आपको शेड बताऊँगी तो वो आपको समझ में आएगा कि कैसे आपको अपने लिए कौन सा परफेक्ट शेड लेना है जिससे आप आराम से अपने लिए एक शेड चुन सको। ओके गाइस, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, वीडियो पूरी नॉलेजेबल होने वाली है और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो गाइस, मैं आपको ये बता दूँ, ये कुछ इस तरीके की पैकेजिंग के साथ आपको रिसीव होगी। मैं इसका अगर प्राइस की बात करूँ तो इसकी प्राइस मैंने फ्लिपकार्ट पे चेक की थी, फ्लिपकार्ट में जो इसका प्राइस है वो 300 है, मतलब शेड वाइज इसका प्राइस है। तो आप एक बार अगर मैं लिंक में भी मैं दे दूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। शेड वाइज प्राइस है 300, 400, 700 ऐसे हैं, तो आप वहाँ जाके ज़रूर से चेक कर लें। सो इसका अगर हम शेल्फ़ लाइफ का बात करें, इसका शेल्फ लाइफ 3 इयर्स का है और ये एक क्लेम करता है कि ये वाटर प्रूफ है, जो कि बिल्कुल सही क्लेम करता है, ये वाटर प्रूफ है। मैंने खुद चेक किया है, ये बिल्कुल वाटर प्रूफ है। अगर आपको स्वेट आता है तो बिल्कुल रिलीज़ नहीं होगा आपके फेस से, ये बिल्कुल टिका रहेगा। बट इसकी एक चीज़ मुझे थोड़ी सी बुरी लगी, वो ये है कि इसमें ज़्यादातर शेड जो है वो फेयर स्किन टोन वालों के लिए है, फेयर टू लाइट स्किन। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारा स्किन टोन समझा दूँगी। और इसके साथ हमें एक ब्यूटी ब्लेंडर भी मिलता है जो कि कुछ इस तरीके का दिखता है। ब्यूटी ब्लेंडर ये है, आपको इतना छोटा सा ब्यूटी ब्लेंडर मिलेगा, वो पैकेट के अंदर रहता है, पूरा पैक होकर रहता है। और जब उसे आप वेट करोगे, आप पानी से उसे गीला करोगे तब वो बड़ा हो जाएगा। जैसे नॉर्मल ब्यूटी ब्लेंडर होते हैं जब उसे वेट करते हैं तो वो बड़ा हो जाता है, वैसे ही सेम इसमें भी है। जब आप इसे अच्छे से वेट कर लोगे उसके बाद जब आप जो सीसी क्रीम है उसके ऊपर आप इसे प्रेस करोगे तो जितना कम मात्रा में आपका सीसी क्रीम इस ब्लेंडर पे आता है उतना ही कम मात्रा में आपको लेके इसे ब्लेंड करना है, वो इजीली ब्लेंड होगा, उसके बाद आप ले लेके कर सकते हो। ये ऑक्सीडाइज भी हो जाता है, खासा देर आपके फेस पे रहेगा, मे बी 2-4 आवर्स तक ये आपके फेस पे बिल्कुल रहे। और ये आपके फेस पे पहले जब आप लगाओगे तो हल्का वाइटिश लगेगा, फिर वो ऑक्सीडाइज होकर आपके शेड का हो जाएगा। मगर आप अगर अलग शेड ले लेते हो तो वो ऑक्सीडाइज होकर के आपका फेस शेड नहीं बन पाएगा। तो इस बात का ध्यान रखते हुए वीडियो को आगे बढ़ते हैं और अंडरटोन समझ लेते हैं, उसके बाद हम आपको आपका शेड बता देंगे। गाइस, अंडरटोन समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि अंडरटोन हमारे 3 टाइप्स होते हैं, वार्म, न्यूट्रल, कूल। वार्म में होते हैं येलो एंड गोल्डन टोन्स, न्यूट्रल में होते हैं बैलेंस ऑफ येलो एंड पिंक एंड रेड टोन्स, और कूल अंडरटोन में होते हैं पिंक और रेड टोन्स। जो वार्म अंडरटोन होते हैं वो येलो रिफ्लेक्ट करते हैं, गोल्डन टोन्स में होते हैं और उनका फेस जो है पीला पीला लगता है, येलोइश टाइप लगता है। एंड जो न्यूट्रल अंडरटोन होते हैं वो बैलेंस ऑफ येलो एंड पिंक टोन होते हैं। तो कभी आप देखोगे कि कभी आप पिंक टोन्स में रिफ्लेक्ट कर रहे हो, कभी आप येलो टोन में रिफ्लेक्ट कर रहे हो, तो वो होता है न्यूट्रल अंडरटोन। और कूल अंडरटोन जो होते हैं वो पिंक और रेड टोन्स में होते हैं। तो बिल्कुल पिंक टोन में आपका एक फेस रिफ्लेक्ट करेगा, जब आप विदाउट मेकअप होगे, जब आपने कोई भी मेकअप नहीं भी किया होगा तब भी आप पिंक लगोगे, और मेकअप करने के बाद जब आप पिंक टोन्स चुनते हो तो आप पिंक ही लगते हो। तो ये होते हैं पिंक और कूल अंडरटोन और न्यूट्रल और वार्म अंडरटोन। अब मैं आपको नॉर्मल इसमें बताऊँ तो कूल अंडरटोन के जो लोग होते हैं वो गुस्सा करते हैं तो उनकी जो फेस होती है वो पिंक हो जाती है, तो इससे आप समझ जाओ कि आप कूल अंडरटोन हो। न्यूट्रल अंडरटोन मैं बताऊँ आपको कि येलो भी रिफ्लेक्ट करते हैं और पिंक अंडरटोन भी रिफ्लेक्ट करते हैं। जब आपके साथ ऐसा फील हो कि आप कभी येलो रिफ्लेक्ट कर रहे हो, कभी पिंक रिफ्लेक्ट कर रहे हो, तो आप न्यूट्रल अंडरटोन हो। और वार्म अंडरटोन वाले लोग विदाउट मेकअप जब रहते हैं तो वो गोल्डन टोन्स में लगते हैं, येलो रिफ्लेक्ट करते हैं, उनका फेस जो है हल्का पीला पे लगता है, तो आप वार्म अंडरटोन हो।
और अगर आप डीप अंडरटोन के हो, डार्क अंडरटोन के हो, तब भी आप में यही सिम्टम्स होंगे, वार्म, न्यूट्रल, कूल, ये तीनों ही जो अंडरटोन होते हैं वो डार्क और डीप अंडरटोन्स के लिए भी होते हैं। जो जिनके फेसेस डीप और डार्क कलर के होते हैं उनमें भी वार्म, न्यूट्रल और कूल टोन्स होते हैं, तो इस बात का बिल्कुल ख्याल रखिएगा। ऐसा मत सोचिएगा सिर्फ फेयर और मीडियम स्किन टोन वाले लोग के ही अंडरटोन्स होते हैं, डार्क स्किन के नहीं होते हैं। आपका अंडरटोन समझ में आ गया हो, मैंने पूरी कोशिश की आपको आपका अंडरटोन समझने के लिए, तो वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर करें। तो चलिए अब मैं आपको आपका शेड बता देती हूँ कि कौन सा शेड किसके लिए है। मेरा जो पहला शेड है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है फेयर प्लस न्यूट्रल अंडरटोन के लिए। अगर आप फेयर प्लस न्यूट्रल अंडरटोन है जैसा स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, देन आपको लेना है जो शेड है वो है आइवरी वाइट। आइवरी वाइट जो शेड है वो आपके लिए है। अगर आपकी फेयर प्लस न्यूट्रल अंडरटोन है देन आपको अपना शेड लेना है आइवरी वाइट। सो चलिए अब नेक्स्ट शेड के ऊपर बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट शेड है वो है फेयर प्लस येलो अंडरटोन के लिए। अगर आप फेयर प्लस येलो अंडरटोन है जैसे पिक्चर में आपको दिख रहा है, देन आपको जो शेड लेना है वो है क्रीमी। क्रीमी जो शेड है गाइस वो है फेयर प्लस येलो अंडरटोन के लिए। अगर आप ऐसे फेयर है हो देन आपको लेना है आपका शेड क्रीमी। तो आइए अब नेक्स्ट शेड के ऊपर बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट शेड है वो है फेयर प्लस पिंक अंडरटोन के लिए। अगर आप फेयर प्लस पिंक अंडरटोन हो देन आपको जो शेड लेना है वो है आइवरी। इस क्रीम का, सुनीशा सीसी क्रीम का जो शेड है आइवरी वो लेना है आपको फेयर प्लस पिंक अंडरटोन के लिए। अगर आप स्क्रीन पे दिए हुए जैसे पिक्चर में आपको लग रहा है आप ऐसे हो, यहाँ पे दो पिक्चर्स दी हुई हैं, एक बहुत ज़्यादा फेयर पिंक है और एक नॉर्मल फेयर पिंक है। अगर आप इस तरीके के हो देन आपको जो शेड लेना है वो है आइवरी। तो चलिए अब नेक्स्ट शेड के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट शेड जो है वो है लाइट प्लस न्यूट्रल अंडरटोन के लिए। अगर आप लाइट प्लस न्यूट्रल अंडरटोन हो जैसे पिक्चर में आपको दिख रहा है तो आपको जो शेड लेना है वो है नेचुरल। नेचुरल जो शेड है वो लाइट प्लस न्यूट्रल अंडरटोन के लिए है। अगर स्क्रीन पे जैसे दिख रहा है वैसे आपकी अंडरटोन भी है, आपकी स्किन भी है, देन आपको जो शेड लेना है वो है नेचुरल। तो आइए अब हम नेक्स्ट शेड के ऊपर बात करते हैं। शेड जो है गाइज वो है लाइट प्लस पिंक अंडरटोन के लिए। अगर आप लाइट स्किन हो प्लस पिंक अंडरटोन हो देन आपको जो शेड लेना है वो क्रीम वाइट। ये जो शेड है ये है लाइट प्लस पिंक अंडरटोन वालों के लिए। सो या चलिए अब नेक्स्ट शेड के ऊपर बात करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट शेड जो है वो है फेयर स्किन वालों के लिए। जैसे कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है अगर आप ऐसे हो देन आपको लेना है जो शेड वो है फेयर। फेयर प्लस पिंक अंडरटोन के लिए है तो आपका शेड भी फेयर होगा अगर आप इस तरीके के फेयर हो तो। आइए हम नेक्स्ट शेड के ऊपर बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट शेड है वो है मीडियम प्लस येलो अंडरटोन के लिए। अगर आपकी भी स्किन मीडियम प्लस येलो अंडरटोन है जैसे स्क्रीन पर आपको दिख रहा है देन आपको जो शेड लेना है वो है बेज। बेज जो शेड है वो है मीडियम प्लस येलो अंडरटोन वालों के लिए। से या अगर आपका टोन भी ऐसे ही है, आपका स्किन भी ऐसे ही है, देन आपको जो शेड लेना है वो है बेज। तो आइए हम नेक्स्ट शेड के ऊपर बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट शेड है वो है क्रीम। अगर आपका जो शेड है वो है क्रीम। अगर आप नॉर्मल फेयर हो प्लस येलो अंडरटोन हो देन आपको जो शेड लगेगा वो है क्रीम शेड। सो या अगर आप स्क्रीन पे दिए हुए पिक्चर की तरह लगते हो बिल्कुल और येलो अंडरटोन में हो देन आपको जो शेड लेना है वो है क्रीम। शेड का नाम है। तो चलिए अब नेक्स्ट शेड के ऊपर बात करते हैं। और लास्ट शेड जो है वो है मीडियम प्लस पिंक अंडरटोन के लिए। अगर आप इससे एक दो स्टेप ऊपर भी हैं देन तब भी आप ये वाला शेड जो क्रीम शेड है वो यूज़ कर सकते हैं। और आप ऐसे भी हो जैसे पिक्चर में आपको दिख रहा है देन तब भी आप क्रीम वाला शेड यूज़ कर सकते हो। क्रीम शेड का नाम है गाइज। ये जो शेड है वो अगर आप एक दो स्टेप ऊपर हो तब भी ले सकते हो और इस तरीके की जैसे स्क्रीन पर मैं दिखा रही हूँ अगर ऐसे हो तब भी ले सकते हो। आप फेयर प्लस पिंक अंडरटोन के लिए ये शेड है। सो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो समझ में आ गई हो। अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें और ढेर सारे कमेंट्स करें। अगर कुछ ना समझ में आए तो भी कमेंट करें। से आ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय गाइस।